हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ, मतलब अभी तक तो भाई थोड़ा सा बस मूड ऑफ है। मूड क्यों ऑफ है, क्योंकि परसों मैंने आपको बताया था ना कि यार वो एक्सयूवी गाड़ी में हमारी में चलते चलते दिक्कत आ गई। तो वो क्या दिक्कत आई है, वो उसका जो इंजन है ना वो सीज हो गया। अब भाई साहब यूं समझ नहीं आ रहा कि इंजन सीज कैसे हो गया। अब वही सब जानकारी लेने मैं और मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, दोनों मिलकर भद्रगढ़ जाम ने गाड़ी खड़ी कर रखी है। अब नमस्कार जी, राम राम। ठीक हो? बढ़िया। और परेशानी गाड़ी के बिना तो बहुत हो गए हैं। अरे भाई साहब बस गाड़ी में ना पूछो मत क्या क्या हुआ। अच्छा जी, बैट लगाओ बात ही। भाई मेरी सेफ्टी पहले है। सेफ्टी पहले, अच्छी बात है। आप भी लगा लिया करो बैट भाई, हम भी लगाते नहीं है, पर कोई बात नहीं, सॉरी। ठीक है, तो भाई अब हम दोनों जा रहे हैं भद्रगढ़ जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी। अब देखते हैं क्या रहता है, क्या सोल्यूशन निकलता है, सारी चीजें आपको इस व्लॉग में हम बताने की कोशिश करेंगे। बाकी तो खैर चलते और मिलते हैं आपको वहां पहुंच कर। भाई आ गए महिंद्रा के शोरूम पर और अब देखते हैं इन्होंने क्या जुगाड़ कर रखा है, इन तक करेंगे बात। ये खड़ी भाई गाड़ी, अब देखते हैं इसमें क्या आफत बनी है। भाई भाई करने के लिए जो आगे से चार वीडियो में प्ले। क्यों भाई, हमारी गाड़ी है यार, हम अपनी गाड़ी की वीडियो तो बात थोड़ी ले रहे हैं हम। गाइस ये जा रहा है मेरे सामने मिलिट्री टैंक, जो कि भाई साहब बहुत तगड़ा लग रहा है सारे। मतलब अपने जैसी चीज लग रही है कि ऐसी चीज लेनी पड़ेगी। अब आगे चल के ना उसी से ही काम चलेगा तगड़ा, देखना भाई। 4x4 है, अलग ही दिख रहे हैं गियर वेयर सब चीज, साफट पापट सब अलग दिख रहे हैं, तगड़ी चीज लग रही है भाई। और ये कलर भी अच्छा लग रहा है काफी, अगली बार गाड़ियों पे यही कलर कराएंगे, मिलिट्री ग्रीन। सो गाइस वहां पे तो हमसे मना कर दी कि हम वीडियो नहीं बना सकते, बिकॉज फोटोग्राफी नॉट अलाउड। क्योंकि भाई शोरूम में अब मतलब दिक्कत आने लगी है कि ऐसे फोटो वीडियो नहीं बनाने देते, पर कोई बात नहीं, फिर भी हमने थोड़ी बहुत अपनी गाड़ी की क्लिप ले ली। वो तो हम थोड़े बहुत इतने तो कलाकार हैं, कैसे क्या करना है। तो क्या रहा फिर, अब बताओ, खुश हो? है संतुष्टि थोड़ी, संतुष्टि है भाई। महिंद्रा के जो हम जहाँ पे गए थे उनके जो मैनेजर थे, उन्होंने बोला कि हम आपको इंजन दूसरा लगा के देंगे गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी में आपको मैं बताऊँ क्या प्रॉब्लम थी मेरे से ज़्यादा, आप बताओ आपको समझ में आई हो क्या दिक्कत थी। हुआ क्या था, जो इंजन ऑयल होता है ना वो गाड़ी खुद जनरेट करती है, तो ये बेसिक्स में ओनली 6 लीटर मोबिल ऑयल होना चाहिए, अब उसमें था 13 लीटर। मतलब समझ रहे हो कि जो BS6 इंजन आजकल जो आ रहे हैं उसमें इंजन ऑयल खुद बढ़ता है, ऐसा वो बता रहे हैं। गाड़ी में 6 लीटर इंजन ऑयल होना चाहिए और अपनी एक्सयूवी में था 13 लीटर इंजन ऑयल, यानी कि डबल से 7 लीटर ऑयल एक्स्ट्रा था। तो जैसे कि गाड़ी के जो कार्बोनेटर वगैरह होते हैं वो टर्बो में ऑयल फेंक दिया उन्होंने बाहर, ऑयल जैसे बाहर फेंका तो उसका इंजन वहीं की वहीं स्विच ऑफ बंद एकदम बिल्कुल। तो ये एक प्रॉब्लम हुई थी गाड़ी में। तो इस चीज से एक चीज देखने को मिली, BS6 बेशक पोल्यूशन कम कर रही है लेकिन जो मजा BS4 में है ना वो नहीं है भाई। BS4 एक तो पूरी पावर देता है, एकदम आपको रो फील आएगी कि हाँ भाई कोई गाड़ी चला रहे हैं, और अच्छा रहा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी BS4 में। लेकिन जब से BS6 आया ना पोल्यूशन के चक्कर में, ना तो गाड़ी का जैसे 2200 cc इंजन है ना तो इतनी पावर जनरेट कर पाता इस जितना एक इंजन कैपेबल है, और ना फिर ये छोटे मोटे प्रॉब्लम आती रहती है। अब देखो इस छोटी सी चीज के लिए पूरी गाड़ी का इंजन ही सीज हो गया। अब मतलब एक इंजन कम से कम 3-4 लाख का तो होगा, ये XUV700 का 3-4 लाख का नुकसान हो गया खामा खा के। हाँ हमें थोड़ी देने बैठाना पड़ेगा, हमें थोड़ी देने, पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए अगर BS6 पोल्यूशन कम करती है नॉर्म्स के हिसाब से तो उसकी 15 साल लाइफ होनी चाहिए। हाँ ये भी थोड़ा सा फैक्ट है कि अब BS6 गाड़ी तो लो लेकिन वो भी 10 साल के लिए डीजल। तो गवर्नमेंट नितिन गडकरी से यही कहना चाहूंगा कि गडकरी जी आप प्लीज कृपया करके 15 साल का टाइम लीजिए डीजल इंजन V6। अरे वो भाई साहब तो अपने वही बंदी कर रहे डीजल गाड़िया, इलेक्ट्रिक ट्री पर घूमेंगे वो, हम इलेक्ट्रिक कामयाब नहीं है, हमारे बच्चे ट्री से ऑफ रोडिंग करेंगे। ट्री गाड़ी से ऑफ रोडिंग होगी भाई आने वाले 10 साल में, नहीं अब हमें लग रहा है सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन लोग चला भी रहे हैं। नहीं
डाटा के मुताबिक 50% डाउनफॉल आया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। अच्छा 50% डाउनफॉल भी आया। और जो वैल्यू मिलनी चाहिए पुरानी गाड़ियों की वो नहीं मिलती। हाँ वो तो है, अब मतलब 20 लाख की है कौन ले लेगा, 10 लाख रुपए में मिलती है। और वो भी मतलब जो सेकंड ओनर है वो लेना नहीं चाहता इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो ज्यादा कि नई गाड़ी ही लूं मैं। तो अब मोस्टली कंपनियां भी जितने भी लोग हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बेच के डीजल या पेट्रोल पे ही जा रहे हैं। ऐसा डाटा आया है, डाटा है भाई ये डाटा वाटा देखो हम तो देखते नहीं, हमारे रिश्तेदार डाटा देखते हैं तो इन्हें ज्यादा नॉलेज है इस चीज की। तो भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियां मत लो, डीजल गाड़ियां लो, डीजल गाड़ियों को खराब करो, इंजन बैठाओ। अब यूं बनता हूँ मैं तो ऑफरोडिंग करूँ, इंजन की चीज करवा दिया भाई आपने, कमाल की बात है, ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे कितने की स्पीड पे देखो, सच सच बताओ तो फिर भी इंजन 145 कुछ भी नहीं है। मैंने 180 चला रखी है एक्सयूवी, जो कि बड़े प्यार से चली है गाड़ी और बिना किसी मतलब हलचल कोई कैसी भी दिक्कत ना गाड़ी में, ऐसे 180 चलाई मैंने और 145 पे इंजन सीज हो गई यार। 140-145 के बीच में वैसे ये चीज तो है, महिंद्रा ना थोड़ी सी कमियां तो कर रहा है यार गाड़ियों में ना, जैसा टोयोटा है फॉर्च्यूनर गाड़ी है, देखो कहनी नहीं चाहिए पर मैं जो उस चीज की तारीफ है तो तारीफ है ही कि कई गाड़ी ऐसे खड़ी हुई ना देखी फॉर्च्यूनर या इनोवा कोई भी की रोड पे खड़ी है, टोयोटा की जो क्वालिटी है ना खुद मतलब अपने को इतना सफिशिएंट लेके चलते हैं, अगर आप उसके 5 लाख भी चल लेंगे तो भी कुछ नहीं पकड़ता। और अब जो मैं मित्सुबिशी की गाड़ी चला रहा हूँ पजेरो मोंटेरो, ये 17-17 साल पुरानी गाड़ी है यार, ये आज भी मतलब ऐसी चल रही है कि क्वालिटी को ज्यादा, हाँ आज भी ऐसी चल रही है कि मतलब टॉप क्लास। और अब मैं देखूं आपकी 17 साल बाद एक्सयूवी कौन से कबाड़े में कटी जाएगी, वो तो कहीं भंगार में बिक रही होगी, भंगार में कट रही होगी, समझ रहे हो। और आज मोंटेरो की इतनी डिमांड है, पजेरो की इतनी डिमांड है, मतलब जो उनका रेट होने चाहिए उससे ट्रिपल गुना महंगी ये गाड़ियां हुई पड़ी है सिर्फ और सिर्फ उसके इंजन के लिए। तो भाई कुछ तो बात थी, तो ये चीजें मैटर करती है, हम है ना। तो देख रहे हो भाई तुम भी तगड़े इंजन की गाड़ी लिया करो, ऐसे पुरानी पुरानी अगर पुरानी गाड़ी ऐसे कर देना कि भाई कहीं भी चलाओ कुछ भी करो, की माननी पड़ेगी क्वालिटी वाइज बेस्ट गाड़ी। हाँ आज की डेट में, आज की डेट अगर मित्सुबिशी होती तो शायद हम टक्कर दे पाते, लेकिन वही है ना यार अब जो चीज इंडिया में है ही नहीं वो इंडिया के लायक ही नहीं, इंडिया में है इलेक्ट्रिक है। अरे वो एसी तो आ रहे हैं, नहीं एसी आ रहे हैं, गाड़ी बना रही है, हम मशीन बन रही है कि गाड़ी थोड़ी है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो इनकी 2017-16 तक थी लास्ट, उसके बाद आउट ऑफ इंडिया हो गई है, बाहर दे रही है गाड़ी अमेरिका साइड कहीं भी, जो जापान है वहाँ पे इनका मतलब भाई नेक्स्ट लेवल पे चल रही है मित्सुबिशी ना। जैसे मैं रील वगैरह देखता रहता हूँ तो पजेरो मोंटेरो सही चल रही है टॉप क्लास। तो वही है यार ये इंजन मैटर करता है। और अब मैं अपनी थार का सोचूं 17 साल बाद कहाँ मिलेगी, तो मतलब ये गाड़ी तो हम ढूंढ भी ना सके कि 17 साल बाद यहाँ मिल पाएंगी। और सोच रहे हो मित्सुबिशी की गाड़ी का इंजन कितना तगड़ा था कि 17 साल बाद भी आज भी मैं एक सेल्फ मारूंगा और खेत में घुसाऊंगा और चलाऊंगा गाड़ी। 700 गो कर दो गो जाओ यहाँ से। तो ये भाई आजकल का थोड़ा सा हो गया। और इससे आगे आगे बोल रहे कि भाई इलेक्ट्रिक ट्री चलेंगी, तो ट्री से क्या कर पाएंगे यार, ट्री को हम 17 साल तक रख लेंगे कभी ना, 7-8 साल की लाइफ होगी। हाँ बैटरी की 7-8 साल की लाइफ रहे तो 7-8 साल के बाद क्या कर दोबारा, वैसे सस्ती कर दी अपनी डीजल पेट्रोल उससे इलेक्ट्रिक से। हाँ क्या ही होगा क्या नहीं होगा आप बने रहो, बाकी जब तक हम हैं इस दुनिया में तब तक हम तो डीजल ही प्रीफर करेंगे, फिर पेट्रोल फिर सीएनजी फिर ट्री, बुढ़ापे तक तो ट्री एक ले ही लेंगे है ना, जब हम गरीब आदमी हो जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, अभी हम केएमपी पे चल रहे हैं, आज का मौसम बहुत ज्यादा सुहाना ब्यूटीफुल होगा पड़ा, मैं आपको दिखा दूं भाई, ये देखो ऐसा लग रहा है कि हम कैलिफोर्निया में चल रहे हैं जैसे, मस्त एकदम। और आपको कैसा लगा थार की न्यूज सुन के कि थार बेच रहा हूँ मैं, सुसाइड भाई साहब, थार के इतने सारे मैसेज आ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं थार को चलाता हूँ ना मुझे डर नहीं लगता, तो उसके सिर पर चढ़ा दू जो भी बंदा आ गया तो सिर पे चढ़ा दो भाई। हाँ ये थार में है कि एकदम ऐसा लगता है कि हम राजा हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, कुछ चोट तो देखो लगेगी, एक फील आती है कि हाँ भाई कुछ तगड़ी चीज चला रहे हैं हम। हाँ तो और नेक्स्ट गाड़ी कौन सी लूँ अब आपके हिसाब से, मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, आप थार ही लो, थार ही लो, थार ही लो, थार बेच के थार थोड़ी रहेंगे है ना भाई, तुम बताओ यार
डिफेंडर ले लो, थार बेच के थार तो नहीं, बजट मेरा 50 लाख तक का है। 50 लाख तक में सेकंड हैंड, सेकंड हैंड नहीं लेनी, मतलब सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। हाइलक्स ले लो, हाइलक्स या वी कैन गो फॉर हाइलक्स, ट्राई इट, आई कैन ट्राई इन रेड कलर, इट लुक सो ब्यूटीफुल। तो हाइलक्स को जाके देखेंगे भाई, वो सा, ओ भाई देख, अभी अभी ये भाई बाइक लेके यहाँ से कूदा है, अगर इस गाड़ी को हम इस पर चढ़ा देते तो फिर भाई बचो यार, गलती पर बड़ी गाड़ी वाले की मानी जाती है, हाँ। छोटे वाले को फिर भी माफ। और इस सब इंसिडेंट में एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, हमें अपनी गाड़ियों में ना भाई डैश कैम जरूर लगवाना चाहिए। मैं अब जो दूसरी गाड़ी लूंगा, इसको तो बेच रहा हूँ, उसमें 100% डैश कैम लगाऊंगा, क्योंकि डैश कैम भाई बहुत ही मजेदार चीज है। मतलब ना अब रास्ते में कुछ भी हो जाए, गाड़ी में कुछ भी दिक्कत आए, तो हमारे पास सबूत है। मेरी गाड़ी में डैश कैम था, सबूत था। कल मैं महिंद्रा की नहीं बोल सकती कि आपकी गलती है, आपकी गलती, ये तो है भाई, ये चीज तो है बिल्कुल 100% ये। उसमें महीने भर की रिकॉर्डिंग है पूरी, देख लेगी भाई कितनी चली कहां कहां चली। तो भाई डैश कैम जरूर लगाओ, 10 से 12 हजार की डिवाइस है, सभी लगवाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चल के कोई ऐसा है बाइक लेके भी आगे आ जाए तो उसकी मिस्टेक उसको पता लग जाएगी भाई, उसकी गलती है, समझ रहे हो? नहीं भाई, तभी कुछ जगह पुलिस भी गलत नजायज फायदा उठाती है, हाँ। तो आप उसको एज ए प्रूफ दिखा सकते हो, एज ए प्रूफ दिखा सकते हैं। तो गाइज यही था आज के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग बंद ही कर देते हैं भाई, क्योंकि हमारा रिश्तेदार का थोड़ा सा मूड होगा गाड़ी को लेके, क्योंकि इनकी गाड़ी हमने आईसीयू में भर्ती करवा दी है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर ऑपरेशन थिएटर में गई हो? हाँ, ऑपरेशन थिएटर में गई, वो मिलेगी कम से कम 15 दिन मान के चलो। वो महिंद्रा वाले बोल रहे हैं कि हम आपको 2 या 3 दिन में एक नई गाड़ी दे देंगे, मतलब नई गाड़ी इन द सेंस जैसे मेरे को मिली थी चलाने के लिए गाड़ी मिल जाएगी। 10-15 दिन का टाइम मांगा उन्होंने, इंजन नया आएगा, वो डलेगा, बाकी हम सेटिस्फाई, हमें नो प्रॉब्लम है महिंद्रा से, सब कुछ ओके, कोई दिक्कत ना कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में रात 8 बजे, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।